कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है हमारा मई जून 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए, द डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st October 2019। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक्सपेंसेस पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st October। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं 8490 के। डायरेक्टर्स फीस है 41,200। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 16,500। फाइनेंस कॉस्ट है 800। स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज है 140790 की। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 7200 फॉर ए 6 month एडवर्टाइजिंग कंपेन विच विल एंड ऑन 31st March। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 7200 की पेमेंट शामिल है जो कि 6 month एडवर्टाइजिंग कंपेन के पैसे हैं जो खत्म हो रही 31st March को। तो हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31st October को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों की जो एक्सपेंसेस हैं एडवर्टाइजिंग वो क्या है? प्रीपेड। हम कैसे निकालेंगे? 7200 हम डिवाइड कर देंगे 6 से, 1 महीने की आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। तो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे 5 मंथ के जो प्रीपेड लिखने हैं आपने। कितने आते हैं? 6,000। ये अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। डायरेक्टर्स फीस आर एलोकेटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिन एक्सपेंसेस इन द रेशियो 1:4। स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज आर एलोकेटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिन एक्सपेंसेस इन द रेशियो 3:2 के हिसाब से आपने एलोकेट करें। नीचे नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं। मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन यूजिंग 20% है। Using reducing balance method 100% distribution cost. Of furniture and equipment per straight line method 80% to admin and 20% to distribution cost है। तो हम बना लेते हैं जी इसकी income statement। जो चीजें पहले से दी हुई है वो मैं as it is लिख लूंगा, क्योंकि उसमें तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है ना। शुरू हम कर देंगे जी किससे? रेवेन्यू से। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें देखते कितना दिया हुआ है। सॉल्यूशन में बताया हुआ है उसने कितना है, 542370। मैं लिख लूंगा 542370। इसमें से लेस कर लेंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपका क्या आ जाएगा जी? देखिए 259240 माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 283130 जो कि क्वेश्चन में दिया है पहले से, 283130। अब हमने लेस करने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं आपके, और दूसरे आप क्या होते हैं जी? एडमिन एक्सपेंसेस। आपको पता है इसकी वर्किंग करनी पड़ती है बट साहब, क्योंकि ये हमें वर्किंग के बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हसन एक्चुअली दिए हुए हमें, यानी कि ओरिजिनल, वो कितने हैं? ये दी हुई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है? 16,500। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ओरिजिनल आपको दिए हैं जी 16,500। इसमें से लेस कर देंगे पहले प्रीपेड है वो क्या है, एडवर्टाइजिंग कंपेन जो प्रीपेड है वो माइनस हो जाएगी बेटा। कितने की निकाले हमने? 6,000 माइनस करने पड़ेंगे आपको। सर ये माइनस कहाँ से किए? ये देखें 6,000 दिए हुए हमें, 7200 जो दी हुई वो 6 मंथ की है ना, उसमें से 5 मंथ जो है वो प्रीपेड है, वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। डायरेक्टर्स फीस देखते हैं यार, कहते हैं कि डायरेक्टर्स फीस डिस्ट्रीब्यूशन को कितनी जाएगी? 1/5, 1:4 है ना, डिस्ट्रीब्यूशन को जाएगी 1/5, डायरेक्टर्स फीस चली जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन को 1/5। लिख लेते हैं यहाँ पे कितनी आती थी 1/5, किसका निकालना है हमने? 41200 का, 8240। आगे देखते हैं जी,
डायरेक्टर्स फीस के बाद स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज हैं, वो कह रहा है 3/5 जाएंगी, लिख लेते हैं जी। जी स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है आपको 140790 का 3/5 कितना आ जाएगा 8474। और भी चीजें हैं जी, बिल्कुल हैं, इसके अलावा भी एक्सपेंसेस हैं जो उसमें जाने हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन से हैं जी, नीचे आ जाएं। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पर है 20% पर एनम 100% टू डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे निकालेंगे 160,000 माइनस 32,600 और उसका ले लेंगे 20%, 160,000 माइनस 32,600 और उसका ले लेंगे 20%। मैं लिख भी देता हूं डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 160,000 माइनस 32,600 इसका 20% सारे इसी में जा रहे हैं जी, कितने आते हैं जी। उसके बाद आ जाएगा जी आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, वो भी है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आने हैं। वो कितनी है जी, वो कहता है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड निकालने हैं आपने, यानी कि 45,000 पे निकालने हैं 15% और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना जाएगा उसका 20%, 45,000 का 15% निकाल लें और उसका 20% निकाल लें। जी लिख लूंगा जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल आ गया 130,044। अब एडमिन की बात कर लेते हैं जी, तो एडमिन एक्सपेंस जो पहले ओरिजिनल दिए हुए हैं, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन से, एडमिन एक्सपेंस जो ओरिजिनल दिए हुए हैं मुझे, वो दिए हुए 8490 के, 8490 के ओरिजिनल दिए हुए एडमिन एक्सपेंस। बाकी देखते हैं इसमें और कौन से आने हैं एडमिन एक्सपेंसेस के अलावा, डायरेक्टर्स फीस आनी है बेटा कितनी 4/5, डायरेक्टर्स फीस आएगी 4/5 एडमिन में जानी है, 1:4 है ना, तो 4/5 एडमिन में जानी है, कितना 41,200 का 4/5। डायरेक्टर फीस 41,200 का 4/5 जी, 32,960। उसके बाद आ जाएगा जी स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज, वो कहता है जी स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज जानी है 2/5, 140790 का 2/5, 140790 का 2/5, 56316। इंडेक्स देखते हैं जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन है जी, किसकी आनी, सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्स्चर की आएगी 80% जो एडमिन में जानी थी ना, फर्नीचर एंड फिक्स्चर 400 आ जाएगी, तो 15% निकालेंगे आप और उसका 80% निकालेंगे। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया, तो ये हमने इसका टोटल कर लेंगे, तो आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे एडमिन के, कितने आते हैं 103166।
करने वैसे सही है ये। टोटल कर देंगे एक्सपेंसेस का हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन पहले टोटल मुझे बता दें कितना आता है इसका, जो आपने जीपी में से माइनस कर रहे हैं। माइनस कर दे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकल आएगा। आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से बेटा माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है। फाइनेंस कॉस्ट लिखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखें, आपकी मर्जी है। वो कैसे आना है, कैसे आना है, वो बात की बात है। यहाँ तक हाँ मुझे भी लग रहा है इसका प्रॉफिट। चलो हाँ ये ठीक है, ये भी वो अच्छा आ जाएगा 4 9 9 2 0। देख लें सर यहाँ तक का मसला है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। मलाइका ओके है। अच्छा ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से आसान था, मेन 20 में आया था 23 में। आसान इसलिए था कि इसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट तक तो पहले निकाला हुआ था ना, आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की और एडमिन एक्सपेंस की वर्किंग करनी थी, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाना था, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था फाइनेंस कॉस्ट का, जो कि समझना थोड़ा सा टेक्निकल होगा जो हम आप उस पर बात करने जा रहे हैं, तो बाकी तुम कैलकुलेशन कर चुकी हैं। देखिए आपने क्या क्या सवाल में करना था, इनकम स्टेटमेंट बनानी थी आपने, ठीक है जी, और नीचे वो क्या कह रहे हैं उसके अलावा, देखिए जगह दी हुई है उसने वर्किंग की जगह क्वेश्चन में दी हुई है, और नीचे उसने मजीद पूछा है जिसके बारे में हम फिलहाल अभी आज सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, अगला पार्ट जो इसका है, क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं हुआ इसलिए। आगे देखें, कहते हैं कि 2017 सिक्स नंबर पॉइंट जो द कंपनी हैड इशूड 8% डिबेंचर फॉर 20,000, हाफ ऑफ दीज वर रीपेड ऑन 1st August 2019, debenture interest was paid up to 30th April 2019. सर ये क्या कह रहे हैं, बड़ा अजीब सी बात कर रहा है। देखें 30 April 2019 तक हम debenture interest pay कर चुके हैं, तो पहले तो देखें 30 April 2019 हमारा साल का खत्म हो रहा है 31st October को, यानी मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, तो 30 April के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने का हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। कितना इंटरेस्ट पे कर चुके हैं 6 महीने का, 800 यही दिया है ना उसने, 800 हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, वो 6 मंथ्स का है जो हम पे कर चुके हैं। अब अप्रैल के बाद हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मजीद और पे करना है, आपके डिबेंचर कितने के दिए हुए 20,000 पे, और उसका इंटरेस्ट कितना है 8%, ठीक है 20,000 पे हमने इंटरेस्ट पे करना है 8%, कितने मंथ्स का, मई जून और जुलाई का, 3 मंथ्स का मजीद निकालेंगे, कितना आएगा जी बताएं, इनटू 3/12 बताएं कितना आता है, 400 आ गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ है कि जो डिबेंचर थे इनके 2 हिस्से हो गए अगस्त से, ठीक है जी, और 10 साल के डिबेंचर में छुड़वा दिए जिन पर हमने इंटरेस्ट 400 पे कर दिए, और बाकी जो डिबेंचर हैं 10,000 वाले डिबेंचर हमने छुड़वानी है, और बाकी 10,000 वाले वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर लाइबिलिटी हमारी है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम कितने परसेंट, इंटू 8% इंटू 3/12, ये कितना आ जाएगा जी, इन सबको आप ऐड करेंगे दैट विल बी योर डिबेंचर इंटरेस्ट विच बिकम्स 1400। कैसे, 800 का पहले दिया है ना, 800 का पहले दिया है, उसके बाद हमने 20,000 पे इंटरेस्ट मजीद निकाला। देखिए 800 कैसे आया, पहले आपको ये बता दूं 800 इंटरेस्ट कैसे आया,
20,000 पे 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अब चेक कर लें, 6/12 भी आपका 800 ही आता है, चेक कर लें। समझ रही बात? सर 6/12 कितने, कौन से महीने तक है? 30 अप्रैल तक, क्योंकि हमारा साल 1 नवंबर से शुरू होता है ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल तक 6 महीने का जो है ना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने निकाल लिया। तो जी बात, अब आगे वो सवाल में कह रहा है हमें 6/12 800 आ गया, अगले जो 6 माह उनका इंटरेस्ट भी 800 ही आना चाहिए। मसला ये है कि अगले 6 माह में 10,000 वाले डिबेंचर हमारे पास पूरे 6 माह रहे हैं, उस पर तो 400 आएगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी 10,000 वाले डिबेंचर है वो हमारे पास 3 माह के बाद छुड़वा लिए थे, उन पर उन 3 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो मैंने अगले 3 माह पे सब पे निकाला है और बाकी जो है वो मैंने सिर्फ 10,000 पे निकाला है, क्योंकि बाकी डिबेंचर 10,000 वाले हमारे पास थे ही नहीं, वो हमने छुड़वा लिए थे। नहीं समझ आई अभी भी? मुश्किल पॉइंट है थोड़ा सा। देखिए हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे, डिबेंचर कितने के 20,000, ठीक है, उस हमने इंटरेस्ट पे करना था 8%, तो साल का आता है 1600, तो 6 माह कितना आएगा, 800 वो पे कर दिए। इसका मतलब है 6 माह का इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं, बाकी 6 माह क्या रह गए? अब अगले 6 माह में, मैं यहां बता रहा हूं, अगले 6 मंथ्स में आपने डिबेंचर के 2 हिस्से कर दिए भाई, एक 10,000 वाले और एक फिर 10,000 वाले। उसने कहा ना हाफ ऑफ दीज आर रीपेड ऑन फर्स्ट अगस्त, तो 10,000 वाले हैं उनको आपने 8% के हिसाब से पूरे 6 महीने इस्तेमाल किए, 6/12 तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट आपका, 400। और जो दूसरे 10,000 वाले हैं उन पर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है, 8% के हिसाब से सिर्फ 3 माह का। क्यों? क्योंकि अगले 3 माह में वो हमारे पास थे ही नहीं, हमने पैसे वापस कर दिए थे, तो उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे ना, वो 200 आएगा आपका। दोनों तरीकों से आप समझे, दोनों तरीकों से बात एक ही है, तो 400 + 200 और 800 टोटल इंटरेस्ट जो आपने लिखना है वहां पर कितना आएगा, 1400 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका है। उसमें 10,000 वाले डिबेंचर पूरे 6 माह पे इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन जो 10,000 वाले रिमेनिंग है वो हमने 1 अगस्त को पे बैक कर दिए थे, तो उस पर इंटरेस्ट सिर्फ 3 माह का आएगा, अगले 3 माह का नहीं आएगा। क्यों? अगले 3 माह लोन हमारे पास था ही नहीं, हम 2 पैसे वापस कर चुके थे। असल समझ आई बात की? दोबारा सुन देखिए, जरा गौर करें। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन 2017 द कंपनी हैज इशूड 8% डिबेंचर। पहले तो बात ये डिबेंचर क्या है, लोन है, तो लोन पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो 20,000 पर 8% इंटरेस्ट आपने पे करना है। उसमें कहता है हाफ ऑफ दीज वर रीपेड ऑन 1 अगस्त, 20,000 में से जो 10,000 वाले हैं आधे वो हमने 1 अगस्त को उनकी पेमेंट लोन वापस कर दी। अब डिबेंचर इंटरेस्ट पर पेड़ अब 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक हम डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, और वो मैं निकालू अगर 30 अप्रैल तक 6 माह बनते हैं तो वो आपका आता है 20,000 पे 8% इंटू 6/12 800 का आता है, और ऊपर दिया भी हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया, वो पे कर चुके हैं भाई, कितना रह गया 800 का। 800 में अगर आप देखो, 800 के 2 हिस्से कर लो, 10,000 वालों पर होगा 400 और दूसरे 10,000 वालों पर होगा 400। एक 10,000 वाले डिबेंचर पूरे 6 माह पे इंटरेस्ट पे करना है, और दूसरे 10,000 वाले डिबेंचर तो पूरे 6 माह का इंटरेस्ट पे नहीं करना, 3 माह का करना है, क्योंकि वो 1 अगस्त को हमने आधे छुड़वा लिए थे, आधे डिबेंचर के पैसे 10,000 वाले डिबेंचर के पैसे हमने पे बैक कर दिए थे, वापस कर दिए, तो उस पर अगस्त के बाद इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे ना। अगस्त सितंबर और अक्टूबर में साल हमारा खत्म हो जाता है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का इंटरेस्ट उन पर नहीं आएगा, पर सिर्फ पिछले 3 माह का है। 10,000 पर 8% पूरे 6 माह का लिया मैंने, और रिमेनिंग 10,000 पर मैंने सिर्फ लिया 3 माह का, क्योंकि ऊपर आना ही नहीं है अगले 3 माह में, क्योंकि वो डिबेंचर हमारे पास थे ही नहीं। तो टोटल इंटरेस्ट जो आप एक्सपेंस पर लिखेंगे वो 800 + 400 + 200 1400 का है। इट्स अ डिफिकल्ट पॉइंट ऑब्वियसली, और अगर ये पॉइंट डायरेक्टली पेपर में शायद आए तो आप लोग कर नहीं सकते, अंडरस्टूड सी बात, ठीक है जी, क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकल है ना। अच्छा समझ आएगी अभी कि नहीं, दोबारा बताऊं तो अब मैं फाइनेंस कॉस्ट लिख दूंगा वहां पे 1400 की जो मैंने पे करनी है, यहां पे आ जाएगी 1400
मैं माइनस कर दूंगा, ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। कितना आता है जी? आंसर 48520 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। अब इस अगला पार्ट जो है वो फिलहाल अभी हम नहीं कर सकते, उसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो पोर्शन राइट शेयर बोनस शेयर क्या है अभी हमने उसको अभी चीज नहीं है। देखें फरवरी मार्च 2019-22 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी। इसको हम देखते हैं, 8% डिबेंचर दिए हमें 75 के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हमें 42 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ 11 का। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ क्या है? हमारी लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट चेक पे दिया हुआ ना तो बैंक ओवर ड्राफ्ट है आपका। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, डिबेंचर इंटरेस्ट भी दिया हुआ उसने, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिविडेंड पेड है, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री दी हुई आपको, और क्वेश्चन में उसने कैरिज इनवर्ड लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह का पार्ट दिया है। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। मैं रीड कर देता हूँ, घर में फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले देखें, एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 9,000 फॉर इंश्योरेंस फॉर द 3 months एंडेड 30th नवंबर। सबसे पहले जो आपने सवाल में देखना होता है वो ये देखना होता है कि हमारा साल कब खत्म होगा। वापस आ जाओ, हमारा साल खत्म होना है सितंबर में, तो जो पेमेंट दी हुई आपने वो किस किस महीने की? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने बनते हैं ना, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 months बनते हैं। तो सितंबर का महीना तो हमारे पीरियड में फॉल करता है, इसका मतलब है जो प्रीपेड है वो कितने महीनों की है? 3 में से 2 महीने की प्रीपेड है। तो आप कैसे निकालेंगे? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आपकी प्रीपेड आ जाएगी। 2/3 आप करेंगे तो आपकी प्रीपेड आपकी आ जाएगी 6,000। ये माइनस कर देंगे आप एडमिन एक्सपेंसेस में से, और बाकी ये बैलेंस शीट करंट एसेट में भी आती है। कैरिज इन्वेंट वो कह रहे हैं 3,000 है एडमिन इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कैरिज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में से कैरिज इन्वेंट क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई इसने क्वेश्चन में ऊपर, उसमें ऐड हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड लैंड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,60,000, तो लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी, बाकी जो बिल्डिंग है उस पर डेप्रिसिएशन होगी। इक्विपमेंट पर उसने बताई है कि आपने कैलकुलेट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूसिंग का इस मेथड से, बिल्डिंग पर उसने बताई है 2%, 2.5% स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, और लैंड पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी। आपने क्या बनानी है? इसकी इनकम सिर्फ बनानी है आपने, वर्किंग करनी है। और अगला पार्ट अभी हमने नहीं किया सॉल्व, इसकी उसको आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जो पहला पार्ट है वहीं तक आप उसको सॉल्व करके लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट की अभी हमें जरूरत जो है वो नहीं है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये मैं करवाऊंगा आपको कल, बस यहाँ तक काफी है फिलहाल। मेजर 19-23 का कल हम सॉल्व करेंगे। इसकी इनकम स्टेटमेंट भी है मेरे ख्याल है फुल फ्लेज, और मुझे लग रहा है शायद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी इसमें है जी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट करंट एसेट्स हैं, और टोटल इक्विटी भी है, तो पूरी बैलेंस शीट ही बना लेंगे इसकी, ताकि हमें क्वेश्चन जो है वो कल समझ आ जाए। लेकिन कल के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल सॉल्व कर लें जो हम मैंने दिए हैं आपको, जिसमें जहाँ तक दिए मैंने, यानी कि एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, उसका इनकम स्टेटमेंट वाला पार्ट है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और 2 और 4 ये दिए थे ना, 2 और 4 और 5 का जो है ना आधा पार्ट आपने कर। नहीं, 4 तो मैंने, हाँ 2 और 4 सही है, वो सही वो तो मैंने करवा दिया, 4 नहीं वो खाली लिखा हुआ थी, 2 और 4 ही ये आपका 4 है और वो आपका 2 है, बस सही है।